Hello students, I hope all of you are very well with your parents, and I also hope you are watching our online classes and you are taking online class note. And then I would like to say thank you to all of you. तो students, आज का विषय है, पिछले जो हमारा जो ऑनलाइन क्लास में हम जो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन के बारे में इन डिटेल्स हम क्लास लिए थे, उसके बाद हमको नेक्स्ट ऑप्शन टैली में नेक्स्ट जो चैप्टर हमको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा, वो है इन्वेंटरी वाउचर और वाउचर एंट्री। तुम लोग जो CPA अप्रैल में 2020 का जो बैच, तो बहुत सारी क्लासेस हम ऑनलाइन में लिए पिछले दिनों में लॉकडाउन का शुरू से ही। तो आज का विषय है ये इन्वेंटरी वाउचर एंट्री। तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट डू मीन बाय इन्वेंटरी वाउचर, और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाउचर एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वाउचर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तुमको इन्वेंटरी वाउचर में, टैली में इन्वेंटरी वाउचर में वाउचर एंट्री करने के पहले ये जो इसका जो डेफिनेशन है उसको समझना पड़ेगा, और ये जो वाउचर एंट्री वाउचर का जो पार्ट है इसको भी समझना पड़ेगा। तो व्हाट डू मीन बाय वाउचर? वाउचर इज ए लीगल डॉक्यूमेंट बाय विच वी कैन प्रूव एनी लीगल ट्रांजेक्शंस लाइक ट्रांजेक्शंस। तो देयर आर टू कैटेगोरी ऑफ वाउचर इन टैली ERP 9 विथ GST। नंबर वन अकाउंटिंग वाउचर्स एंड नंबर टू इन्वेंटरी वाउचर्स। तो पिछले क्लास में हम अकाउंटिंग वाउचर के बारे में कुछ किए थे, अकाउंटिंग वाउचर के बारे में हम चर्चा किए थे और इन डिटेल्स हम दिखाए कैसे वहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर और बेसिक अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। तो उसमें अकाउंटिंग वाउचर का जो कैटेगरी है उसमें कॉन्ट्रा वाउचर OA4 प्रेस करके करना पड़ता है, पेमेंट वाउचर OA5 भर के प्रेस करके दबा के हमको करना पड़ता है, रिसीव वाउचर एंट्री उसको F6 दबा के करना पड़ता है। इससे छोड़ के और डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड मनी रिसीट्स और कैश वाउचर भी हमको करना पड़ता है। तो इसमें यहाँ पर इन्वेंटरी वाउचर जो है इसमें कैश मीमो और इनवॉइस, बिल और टैक्स इनवॉइस, इतना सारी वाउचर ये इन्वेंटरी कैटेगरी में होता है। तो बाद में हम ये इन्वेंटरी कैटेगरी का क्लासिफिकेशन हम तुमको समझाएंगे।